नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि घर में कोई ना कोई लोग अपने घर में पौधे लगाते हैं, लेकिन पौधे लगाने का कुछ अलग महत्व भी होता है। लोग कुछ भी अपने घर में लगा लेते हैं, मतलब अपनी मर्जी के पौधे लेकर अपने घर में लगा लेते हैं। उन्हें किसी को तो हरियाली पसंद होती है, इस वजह से पौधे लगाते हैं। कुछ उन मेडिसिन की वजह से पौधे लगाते हैं, जैसे तुलसी एक मेडिसिन पौधा है जिसे हम अपनी दवाइयों में भी यूज़ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप अपने घर में पौधे लगाते हैं तो वह अलग बेनिफिट देते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि आपके घर में कौन सा पौधा आपके लिए शुभ है, तो आज जानिए इस वीडियो के दौरान कि यदि आप ये पौधे लगाते हैं तो आपके घर में शुभ फल आते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के दौरान, यदि आप अपने घर में पौधे लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि यदि आप पूर्व दिशा में अपने घर में बरगद का पेड़ लगाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा शुभ देता है, और यदि आप पश्चिम में पीपल का पेड़ लगाते हैं तो वो भी शुभकारी होता है। लेकिन यदि आप इन दो जगहों के स्थान को छोड़कर अगर आप इन्हें विपरीत दिशा में लगा देते हैं तो यही पौधे आपको नुकसान देंगे। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपका नुकसान होगा और साथ के साथ आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। यदि आप उत्तर दिशा में पिलखन और दक्षिण दिशा में गुलर का पौधा लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं तो वह आपके जीवन पे बहुत अच्छे असर देते हैं और साथ के साथ आपके उस कार्य में और उस उन्नति में आपका साथ निभाते हैं जिस उन्नति को आप पाना चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिले तो आप आसपास अपने घर के बिल्कुल भी आसपास कांटेदार पेड़ पौधे या जिन पेड़ पौधों से दूध निकलता हो तो वह पेड़ पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे आपके घर के सभी सदस्यों के बीच मिठास की जगह लालसा भर देंगे और उसके साथ साथ कड़वाहट के साथ कांटे भर जाएंगे। यानी कि आपके सदस्यों के बीच ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। तो आप कोशिश करें कि ऐसे पौधे ना लगाएं। आप गुलर या पिलखन का पौधा लगा सकते हैं, वह आपके लिए शुभ होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के आसपास पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहे तो आप अपने घर के आसपास नीम का पेड़ पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि नीम का पेड़ आपको छाया देता है, उसके साथ उस पर फल फूल तीनों चीजें आती हैं जिससे आपके जीवन में और आपके घर के परिवार के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और वो सामंजस्य इस तरह से मजबूत होता है कि आप उसे तोड़े से नहीं टूट सकते। और नीम का पौधा वैसे भी नकारात्मक चीजों को दूर करता है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या फिर वह ऐसे रोग से ग्रसित होता है जिस रोग को दूर करने के लिए हमें ज्यादातर नीम के पेड़ की आवश्यकता होती है, तो यदि आप अपने घर में नीम का पेड़ पौधा लगाते हैं तो वह बीमारियां आपके घर में प्रवेश नहीं करती, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों ओर बिखेरती हैं। तुलसी का पौधा, हम सभी जानते हैं कि तुलसी हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा पूजनीय मानी जाती है, क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय और सबसे ज्यादा औषधि के लिए यूज किया जाता है। यदि तुलसी का सही स्थान हो तो वह आपके घर से नकारात्मक चीजों को दूर करती है और आपके जीवन में एक नई उमंग भरती है। यदि आप तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो वह पौधा आपके घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में एक नई उमंग जगती है, जिसको काम करने के लिए आपकी उमंग डबल हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी उमंग भी और जोशीलापन भी बढ़े तो उसके लिए आप तुलसी का पौधा घर में लगाएं दक्षिण दिशा में, तो वह आपको अचूक फल देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके कष्ट जीवन में कुछ ज्यादा हैं और ज्यादा ही समस्या बढ़ रही हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप उत्तर और पूर्व दिशा में आंवले का पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि आंवले का पेड़ बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि यदि आपके कष्ट को दूर करना है तो आंवले का पेड़ सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि आंवले में वह खासियत होती है कि जिसकी वजह से वह आपके जीवन से उन कष्टों को दूर कर देता है जिनकी आशंका सबसे ज्यादा होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी कष्ट का निवारण हो जाए और आपके जीवन में जो समस्या आने वाली है उन चीजों को भी आपके जीवन से दूर किया जा सके, तो आप आंवले का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि आंवले के पौधे में एक थोड़ी सी कड़वाहट और थोड़ी सी मिठास और हल्का सा तीखापन होता है। वही तीखापन और वही कड़वाहट आपके जीवन से वह कष्टों को दूर कर देती है जिन कष्टों से आप लड़ रहे हैं। तो ये है वह पौधे, यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में शुभ की हमेशा अनुभूति होती है।
साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा विराजमान रहती है। तो आप कोशिश करें कि इन पौधे को उसी दिशा में लगाएं जिस दिशा में मैंने अभी आपको बताया है। तो इन दिशाओं के अकॉर्डिंग यदि आप पौधे लगाते हैं तो आपके जीवन से सारी समस्याएं और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।